जय हिंद स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट क्लास टेंथ केमिस्ट्री। तो हम क्लास टेंथ केमिस्ट्री की बात करते हैं, और क्लास टेंथ केमिस्ट्री में मैंने लास्ट टॉपिक आपको बता दिया था, कौन सा पढ़ाया था याद करो। याद नहीं है तो वीडियो दोबारा देखिए, सारे समझ में आ रहा है ना, सारे वीडियो पहले देखिए और उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, ठीक है, तब आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत इजी वे में पढ़ा रही हूँ, बहुत इजी तरीके से चल रहा है अपना केमिस्ट्री, बिल्कुल स्मूथ स्मूथ स्लोली स्लोली, ठीक है, पढ़िए, ठीक है। चलिए, तो मैंने लास्ट टॉपिक आपको कराया था करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक, पूरा हो गया था, सारे करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन मैंने करा दिए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास टेंथ में क्वेश्चन आते ही है, पक्का 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 101% नोट कर लीजिए कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से आपके क्वेश्चन पेपर में 2021 में मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना, एवरी ईयर रिपीटेशन है आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, कौन सा है आपका, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कि केमिकल जो सब्सटेंसेस हैं वो कैसे किस टाइप से केमिकल रिएक्शन करके और कुछ नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो किस टाइप से कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं, और कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं, कितने टाइप के नए कंपाउंड का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक। चलिए, तो आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली आपकी 5 टाइप की होती है, ठीक है, मैं सभी के नाम बता रही हूँ आपको एक तरफ से, वैसे तो काफ़ी टाइप की है लेकिन बेसिकली टेंथ में आपकी कितनी टाइप की है, 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन की स्टडी हमें करनी है। तो फर्स्ट है आपका कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, सबको डिटेल में अभी पढ़ाएंगे, पहले केवल टाइप पढ़ लें, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड लास्ट है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। तो बेसिकली आपकी जो रिएक्शन है वो कितने टाइप की बेटा, 5 टाइप की है, 5 टाइप की। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ वन इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और आपको याद करने का जो तरीका जब मैं बताऊं तो उसे ध्यान से फॉलो करिएगा, उसी वे में आपको याद करना है लंबे टाइम तक, मीन्स हमेशा आपको क्या रहेंगी, ये याद रहेंगी, ठीक है। तो आपको ये दोनों रिएक्शन है, मीन्स फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों आपको एक साथ कराऊंगी और एक साथ ही आपको याद करनी है, ये एक दूसरे से काफ़ी मैच करती हैं, ये थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ये दोनों आपको एक साथ पढ़नी है, एक साथ याद करनी है, और फिफ्थ वन अपने आप में ही काफ़ी बड़ी रिएक्शन है, वो आपको अकेले पढ़नी है, समझ गए। तो इस टाइप से आप पढ़िएगा एक दूसरे से रिलेट करते हुए, तो आपको बहुत ईजिली पड़ेगी याद रखना। इट्स डन, ओके। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन है, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड फिफ्थ इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बेटा आपकी 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा है आपका इसी में फोटोलिटिक
लिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड है आपका इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फिर से तीन में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपका कौन सा, रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकेली है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी अकेली है, और इसमें जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन मिलकर बनी है दो रिएक्शन से। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन वास्तव में दो रिएक्शन से मिलकर बनी है। एक है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एंड दूसरा है आपका कौन सा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, तो रिडॉक्स रिएक्शन ये आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कहाँ चला गया, रिडक्शन रिएक्शन, इनसे मिलकर आपको क्या करना है, पढ़ना है कि रिडॉक्स रिएक्शन का फॉर्मेशन इससे हुआ है। समझ गए, तो ये तो था आपका एक आउटलाइन कि कौन कौन सी रिएक्शन आपके सिलेबस में है और कौन कौन सी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूटी बढ़ाए रखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा और करवाइएगा अपने फ्रेंड्स से, और लाइक तो आपको करना ही करना है। चलिए अब पढ़ते हैं हम आपका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ते हैं आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। रफ कर दूं, ओके ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी रफ करते हैं, कौन सी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है ही हमारा ये टॉपिक, याद रखना है टाइप्स ऑफ में। तो फर्स्ट थी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइन होना। ठीक है, जब आपका टू और मोर देन टू कंपाउंड्स आपस में मिक्स होके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं अगर, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, व्हेन टू और मोर देन टू केमिकल कंपाउंड, व्हेन टू और मोर देन टू केमिकल कंपाउंड मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है बेटा आपका, कंबाइन होना, जब दो या दो से अधिक जो आपके केमिकल कंपोनेंट हैं, केमिकल कंपाउंड है, मिक्स होके एक या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप के केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पर जो रिएक्शन होती है वो क्या कहलाती है आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड, लिख लीजिए, ठीक है, केमिकल रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट, मीन्स
CaCO3। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दिखाई दे रहा है दो कंपोनेंट है और दो कंपोनेंट से मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन क्या हुई आपकी, कंबाइन हो रहे हैं दोनों, यानी कि ये हुआ आपका क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं। एक तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर दोनों कंबाइन हो जाएं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट है आपका प्लैटिनम। क्या होते हैं कैटलिस्ट में आगे समझा दूंगी, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लैटिनम कैटलिस्ट, याद रहेगा ना, कैटलिस्ट, इसकी प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं किसका, 2H2O वाटर का, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहां पर भी कंपाउंड क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, मींस कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, बस इजी वे में, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है वहां पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका एग्जाम्पल हो गया। अब और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और इसके अगर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करने हैं तो क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आपको इसके बाद में करा दूंगी, ठीक है। दो एग्जाम्पल विद रिएक्शन आपको ये समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं आपकी, ठीक है, बहुत सारे हैं बेटा, चलिए एक और देख लीजिए। एक है आपका जैसे 2Mg प्लस O2, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करा दी तो यहाँ पर आपका फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का, क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। डन है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम, कौन सा था आपका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, सेकेंड है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन, डी का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना, ठीक है। तो यहां पर जस्ट अपोजिट है, मैंने क्या कहा था, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन दोनों हमें एक साथ पढ़ने हैं, दोनों को एक साथ ही हमें समझना है। कॉम्बिनेशन का मतलब दो या दो से अधिक कंपाउंड मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और यहां पर क्या है, एक प्रोडक्ट है और वो क्या हो जाए आपका, डिवाइड हो जाए टू और मोर देन टू प्रोडक्ट में, ठीक है। व्हेन अ सिंगल, इसकी डेफिनेशन, व्हेन अ सिंगल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट सिंपल फॉर्म में भी हो सकते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, जब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या एक सिंपल कंपाउंड आपका क्या हो, कंबाइन होके फॉर्मेशन करे आपका किसका, एक फॉर्म, एक सिंगल रिएक्टेंट है वो आपका कन्वर्ट हो जाए दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में, तो वहां पर क्या होती है, वहां पर होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसके लिए कुछ स्पेसिफिक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसके लिए कुछ स्पेसिफिक आपकी कंडीशन की जरूरत होती है। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है आपकी, हीट की प्रेजेंस में, ठीक है, हीट की प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है तो वो क्या कहलाएगी आपकी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अगर रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए हीट की जरूरत पड़ रही है तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि थर्मल का मतलब ही क्या होता है आपका हीट, ठीक है। किसी एक सिंगल कंपाउंड को अगर हमने हीट दे दी तो वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हम समझते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपने क्या किया, हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये एरो किसका बताया था, फर्स्ट जो आपको वीडियोस बनाए थे उसमें बताया था ना, अगर ऊपर एरो है तो ऊपर एरो का मीनिंग क्या है, वहां से गैस रिलीज हो रही है बेटा। क्या रिलीज हो रही है, गैस रिलीज हो रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, डन है। और मान लीजिए आपको कि मैडम हम हीट नहीं देंगे, अगर आप हीट नहीं देंगे तो ये भी नहीं बनेंगे, समझ लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट को रखे रहिए और आपने उन्हें हीट नहीं दिया तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में ही बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसे हीट दे दी तो वो क्या करेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेगा भैया, टूट जाएगा वो तो, और टूट के क्या बनाएगा, ठीक है। से क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस को हटा देते हैं, और यहां पर अगर हम उसे हीट दे दें, जला दियो, ठीक है, हीट दे दियो, तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा आपका, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा। क्या हो रहा है, एक सिंगल, दो या दो से अधिक में ब्रेक हो रहे हैं ना, तो क्या बनेगा आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो गया, हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए, और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के आपके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसके अलावा अब सेकेंड है आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम में आपका कई बार पूछा गया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट लगाइएगा। यहाँ पर आपका है 2FeSO4, मीन्स ये क्या है आपका, फेरस सल्फेट है। जब इसे हीट किया जाता है, ठीक है, तो ये बनता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है। ये रिएक्शन काफ़ी आपकी पूछी जाती है कि व्हाट हैपन्स, क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, तो फेरस सल्फेट है FeSO4, इसे जब बेटा हीट किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस में और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में क्या हो जाता है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। समझ गए आप इतनी बात, तो ये आपका क्या है, फॉर्मेशन हो जाता है इसका। अब एक तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, या फिर यहाँ पर आपका ये होता है येलो कलर का, सॉरी फेरिक है ना, ये होता है आपका ग्रीन कलर का, और ये होता है आपका कैसा, ब्राउन, ठीक। तो यहाँ पर कहा जाता है कि एक आयरन का ग्रीन कलर का कंपाउंड है, ग्रीन कलर के कंपाउंड को अगर हम हीट कर रहे हैं तो वो आपका दो सल्फर की गैसेस रिलीज करता है और ब्राउन कलर के कंपोनेंट बी में ब्रेक डाउन हो जाता है। आपको ए और बी दोनों क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन क्या था, व्हेन अ कंपाउंड ए विच इज ग्रीन इन कलर इज हीटेड देन ब्राउन कलर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ब्राउन कलर बी सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड टू सल्फर गैसेस आर रिलीज्ड, फाइंड ए बी एंड सल्फर गैसेस। तो क्या है, ए क्या हुआ आपका, फेरस सल्फेट, क्योंकि वो ग्रीन कलर का, जब इसे हीट किया जाता है तो ब्राउन कलर के आपका फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है और SO2 और SO3 गैस आपकी क्या हो जाती है, यहाँ से रिलीज हो जाती हैं। समझ गए आप इतनी बात, तो ये तो होगी आपकी किसकी बात, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक, ओके। अब जो नेक्स्ट है आपकी दो बची हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद, कौन सी, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, वो पढ़ते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका क्या, गुड बाय, एंड सब्सक्राइब आपको करना है क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रिएक्शन है, ठीक है।
तो पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बिल्कुल मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।